हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के आज वीडियो में हम जानेंगे यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ और ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर होने जा रहा उसी के अनुमानित कट ऑफ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यूपी कोई भी एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ हो या कोई भी एग्जाम हो, तो अगर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ या अनुमानित कट ऑफ का अंदाजा लग जाता है या आपको कुछ पता चल जाता है कि कितना जा सकता है, तो उससे फायदा ये होता है कि आपका जो पढ़ाई है, प्रिपरेशन है, उसमें एक अंदाजा लग जाता है कि आप कितना पीछे हैं या कितना आगे हैं, आपको कट ऑफ क्वालिफाई के लिए करने के लिए और कितना मेहनत करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण ले रहा हूँ। अगर कोई भी आपका एग्जाम है, मान लीजिए 100 मार्क्स का, और आप इससे रिलेटेड कोई टेस्ट सीरीज या कुछ भी देते हैं या आप कोई ऐसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो आपका मार्क्स आ रहा है सपोज दैट 30, और आपका जो कट ऑफ जाने वाला है इस 100 मार्क्स का वो जाने वाला है मान लीजिए 60 55 मान लीजिए, तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि हम 25 मार्क्स जो है या 25 नंबर एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पीछे हैं, यानी कि आपको अभी पढ़ाई की या और प्रिपरेशन की और हार्डवर्क की और जरूरत है कि एक जो 30 से है इसको क्रॉस करके हम 155 के पास या इससे ज्यादा नंबर लाएं। तो ये होता है फायदा किसी भी एग्जाम के अनुमानित कट ऑफ को जानने की। दूसरी बात, कोई भी 2015 के बाद, मेनली 2015 के बाद कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, कोई भी कट ऑफ एग्जाम का कट ऑफ उठा के देखिए तो 99% आपको एग्जाम में मिलेगा जो पहले प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उससे जो नेक्स्ट पेपर हुआ है हर बार जो कट ऑफ है 2 4 या 5 नंबर बढ़ा है। कोई भी आपको 2015 के बाद एग्जाम ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें एक जो नेक्स्ट ईयर जो उसका कट ऑफ है घटा हो या उसके बराबर हो। हर एग्जाम में आपको 2015 के बाद मेनली जो कट ऑफ है आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये है एक एक्सपेक्टेशन कट ऑफ जानने की। तीसरी बात, ये मैं जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये अनुमानित यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई रियल कट ऑफ मैं यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि रियल कट ऑफ अभी कोई नहीं बता सकता। रियल कट ऑफ तभी आए पता चल जा पाए चाहे पाएगा जब आपका फाइनल आंसर की आएगा रिटन एग्जाम के बाद। तो ये कोई रियल कट ऑफ नहीं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी कि मैं जो इस वीडियो में बताऊंगा तो अगर आपके मार्क्स उसके नियर अबाउट या आसपास आ रहे हैं तो मान लीजिए आपका जो प्रिपरेशन है वो सही है और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चौथी बात, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ बहुत सारे आंकड़ों को लेकर मैं बता रहा हूँ कि कितने स्टूडेंट अप्लाई किए हैं और कितने स्टूडेंट उन अप्लाई स्टूडेंट में कितने कुछ स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कितने नॉट एलिजिबल हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, कट माइनस मार्किंग कैसे है, टोटल क्वेश्चन क्या है, इस बहुत से फैक्टर और प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एससी का उसका जो कट ऑफ कैसे गया था, तो ये सभी आंकड़ों पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जिसमें हम देखेंगे पूरा डिटेल में बात करेंगे कैटेगरी वाइज जनरल ओबीसी एससी एसटी यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ ग्राम विकास अधिकारी के कट ऑफ की। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको नीचे एक दिख रहा होगा रेड बटन, उस पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपका कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जो अपडेट है वो मिस ना हो। दूसरी बात, यहाँ पर मैं यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ और ग्राम विकास अधिकारी और एएलपी सीबीटी 2 की क्लासेज डेली का डेली अपलोड करता रहता हूँ, करंट अफेयर, जीके, हिंदी और कंप्यूटर के क्वेश्चन, तो आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम चलिए देखते हैं उन आंकड़ों को और फैक्ट को जिन पे आधारित है ये एक अनुमानित कट ऑफ। सबसे पहले जो टोटल कैंडिडेट इस बार अप्लाई किए हैं यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ और ग्राम विकास अधिकारी में, वो बताया जा रहा है कि 14 लाख स्टूडेंट ने करीब करीब अप्लाई किया है, और जो पोस्टें हैं सॉरी जो टोटल पोस्टें हैं इस बार वो हैं 1800, यानी कि जो अगर नंबर ऑफ पोस्ट के रिस्पेक्ट में देखा जाए नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई तो बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, जो टोटल क्वेश्चन है एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, जो टोटल क्वेश्चन है वो है 150 और एक नंबर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी कि टोटल जो मार्क्स आपके बन के आते हैं वो है 300 मार्क्स का, यानी कि टोटल क्वेश्चन 150, टोटल मार्क्स 300, और जो माइनस मार्किंग है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 1/2 50% का माइनस मार्किंग है, यानी कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर गलत करते हैं एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका जो मार्क्स है एक काट लिया जाएगा जो सही मार्क्स हैं उनमें से। तो ये जो इस बार माइनस मार्किंग है सबसे पहले बहुत ज़्यादा है, इसलिए
जो कट ऑफ है लो रहेगी यानी कि नीची रहेगी। दूसरी बात, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड हैं, इन 14 लाख हैं, इनमें से एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 4 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास CCC सर्टिफिकेट नहीं है और वो अप्लाई कर दिए हैं। तो जो स्टूडेंट CCC अप्लाई UP CCC वीडियो में अप्लाई कर दिए हैं, उनके पास CCC नहीं है, तो उनका मार्क्स कितना भी आ जाए, उनका कट ऑफ कितना भी बन जाए, वो फाइनल सिलेक्शन में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। सॉरी, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट जिसके पास CCC सर्टिफिकेट नहीं है, वो 300 मार्क्स में 270 क्यों ना मार्क्स ले आए, तब भी वो फाइनल सिलेक्शन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। सॉरी, लेकिन जो कट ऑफ आपकी बनेगी वो बनेगी रिटेन एग्जाम बेसिस पे। तो रिटेन में वो भी कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा जिसके पास CCC सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि CCC सर्टिफिकेट नहीं वो तब छटेगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे। तो ये जो 4 लाख स्टूडेंट हैं जिनके पास CCC सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी आपके कट ऑफ पे असर यानी कि इफेक्ट करेंगे, यानी कि इसकी वजह से भी आपका जो कट ऑफ है इस बार लो रहेगा। सॉरी, तो ये दो फैक्टर हैं जो बहुत बड़े फैक्टर हैं इस बार के जो कट ऑफ है उसको लो करने में। एक तो माइनस मार्किंग, दूसरा जो इस बार नया सिस्टम लाया गया कि जो CCC जिसके पास नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकता, वो फाइनल सिलेक्शन में कंसीडर नहीं किया जा सकता। फिर भी बहुत से स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया था, क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन आया था उसी समय जो पहले की वैकेंसी थी ग्राम विकास अधिकारी की, तो उनमें से जिन लोगों के पास CCC सर्टिफिकेट नहीं था, तो उनके उनमें कोर्ट में के द्वारा आदेशानुसार उनको भी फाइनल सिलेक्शन में ले लिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें साफ साफ मेंशन था। तो ये दो फैक्टर हैं जो आपके कट ऑफ को कम कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कि आपका किस कैटेगरी में कितना जा सकता है। पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके अगर मार्क्स, ये जो मार्क्स आ रहे हैं 195 या 190 प्लस या इसके आसपास, तो आप जनरल कैटेगरी में 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर इससे कम आ रहे हैं या उससे बहुत कम आ रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको पास अभी टाइम है, आप अपनी पढ़ाई को स्पीड अप कर दीजिए। और यहाँ पे जो मैं 195 लिखा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ फाइनल मार्क्स की, यानी कि अगर आप 210 या 215 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से कुछ गलत हो जाते हैं, उसमें से जो गलत हो गए उनसे निगेटिव जो मार्क्स बने हैं उनको हटाने के बाद जो मार्क्स बने, उन मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, यानी फाइनल मार्क्स की यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, जो 195 मार्क्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और इतने मार्क्स या इसके आसपास आ रहे हैं, तो आप 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में है अगर आप 187 यानी 187 प्लस या इसके आसपास मार्क्स ला रहे हैं, फाइनल मार्क्स नेगेटिव मार्क्स हटाने के बाद, तो आप 100% ओबीसी कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाएंगे। अगला हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी में। तो एससी कैटेगरी में हमारे जो पूर्वानुमान है या आंकड़ों हैं उनके फैक्ट के अनुसार, अगर आप 178 या इसके आसपास या इससे ज़्यादा 10-5 नंबर आपके आते हैं, तो आप एससी कैटेगरी में 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपके 178 के से +5 या +10 आ रहे हैं, तब भी आप समझिए क्वालिफाई, क्योंकि ये मैं जो बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। फाइनल कट ऑफ आपका तभी आएगा जब आपकी आंसर की आएगी। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट और आखिरी एसटी कैटेगरी की। अगर कोई जो स्टूडेंट एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनके फाइनल मार्क्स 170 प्लस या उसके आसपास आ रहे हैं, तो 100% एसटी कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये था पूरा डिटेल UP CCC वीडियो के पूर्वानुमान यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दूसरी बात, ये कोई रियल कट ऑफ नहीं है। तो अगर आपके मार्क्स इनके आसपास हैं या 10-5 नंबर इधर उधर हैं और आपको लगता है कि ये जो आपका कट ऑफ है इससे ज़्यादा जाएगा एक कैटेगरी वाइज, तो आप अपनी पढ़ाई को और स्पीड अप कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास 20-25 दिन का टाइम है, उसमें जितना हो सके उतना कवर कर लीजिए। लेकिन ये 100% तय कर लीजिए कि जो मैं बताया हूँ इससे नीचे नहीं जा सकता कट ऑफ, इसके ऊँचे ही जा सकता है। तो अगर आपके मार्क्स इसके आसपास या इससे ज़्यादा आ रहे हैं आपका अंदाजा हिसाब से, तो इसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को और तेज़ कर दीजिए।
अगर कोई भी राय इस वीडियो के बारे में आप देना चाहते हैं कि जो मैंने कट ऑफ बताया है इतना जा सकता है या नहीं जा सकता है, या जो मैं कट ऑफ बताया हूँ सही है या गलत है, तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर आप राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये जो मैं बताया हूँ सही है या गलत है। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और इस चैनल को अगर आप अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा हर एग्जाम से लेटेस्ट अपडेट और UP SSC वीडियो, UP SSC JEE, ALP CVT 2 के लिए ऑनलाइन क्लासेस, वो भी फ्री में। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।